हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, बात करते हैं हियरिंग एड की, क्या कॉस्ट है, मुझे मशीन लगानी है, कितने में आएगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगी बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे घर बैठे आपको अनेक ENT से रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करते हैं कि हियरिंग एड कितने का आता है। हर चीज़ हम मार्केट में जाते हैं, हम उसकी कॉस्ट जानना चाहते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, हर चीज़ लेना चाहते हैं कि क्या कॉस्ट है। दोस्तों, जो हियरिंग एड है, सबसे पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो हियरिंग एड हमें लगाना चाहिए। अब हियरिंग एड का उसमें ये देखा जाता है कि जो हियरिंग एड लगाने वाला पर्सन है वो किस प्रोफाइल का पेशेंट है, वो एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है, वो एक कंपनी में CEO है, या वो एक मिनिस्टर है, या कोई सेलिब्रिटी है, या एक ओल्ड मैन है जो घर पे बैठा हुआ है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा एक फैक्टर ये होता है कि आपको दोस्तों जो ऑडियोमेट्री में किस ग्रेडिंग का लॉस आया है, जैसे माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेट सीवियर है, प्रोफाउंड है, यानी ये लॉस कैसे डिसाइड किया जाता है कि जो हमारी नर्व, जो हमारे ब्रेन को, दिमाग तक, जो हमारे कंडक्शन साउंड्स को लेके जाती है, उसका कितना परसेंटेज वीकनेस है। सपोज आपका जो है वो माइल्ड डिग्री है, यानी 25-30% है, तो अमूमन आपको इस टाइप की हियरिंग एड जो चीप भी है और जो है कम जिनकी पावर है उससे भी काम चल जाएगा। दोस्तों, अगर किसी का प्रोफाउंड वीकनेस है, यानी 80% तक आपका जो है वो लॉस आ रहा है, या जन्मजात जिनको जो है बिल्कुल नर्व का विकास नहीं हुआ, बहुत माइनर सा विकास हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को हाईली पावरफुल हियरिंग एड्स यूज़ करने होते हैं। अगर हियरिंग एड की कॉस्ट हम बात करते हैं तो एक बेसिक हियरिंग एड जो है दोस्तों, जो बहुत बार शिविर में जो है निःशुल्क भी वितरण किया जाता है, 1500-2000 से लेके लाख रुपये तक हियरिंग एड्स आते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि हियरिंग एड की कॉस्ट जो है कैसे बढ़ती है। दोस्तों, जो हियरिंग एड्स होते हैं उनमें क्या है कि ये डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ कितनी है, उसके चैनल्स कितने होते हैं। जैसे जैसे हियरिंग एड की जो है साइज़ डिक्रीज होती है, उसके चैनल्स बढ़ते जाते हैं, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। मोस्टली जो हियरिंग एड्स जो पहनते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि मेरे को ये नहीं लगाना क्योंकि मेरे को इसमें बाहर से बहुत गर्र गर्र आवाज़ आती है। दोस्तों, वो इसलिए होता है कि उन हियरिंग एड्स के अंदर चैनल्स की कमी होती है और उसमें एक्यूरेसी नहीं हो पाती। बहुत बार क्या होता है कि जो आपका जो ऑडियोमेट्री टेस्ट है, जो आपका कान का जो लॉस है और आपका जो हियरिंग एड की जो ग्रेडिंग है, वो दोनों इक्विवेलेंट नहीं होने चाहिए। आपने चश्मा लगाया और आपका विजन में आपकी जितना पावर आ रहा है उस पावर के हिसाब से आपको चश्मा लगाया, तो आप कंफर्ट फील करेंगे। सबसे पहले उठते ही सबसे पहले हमारा चश्मा हम ढूंढेंगे, लेकिन अगर उससे कंफर्ट नहीं होगी तो आप उसको कभी नहीं लगाओ। सेम फंडा दोस्तों हमारा जो है कान की हियरिंग एड में है। अगर आपकी जितनी कान की फ्रिक्वेंसी पे आपको लॉस है, उसी फ्रिक्वेंसी का अगर हम हियरिंग एड लगाते हैं तो जो है हमें कम्फर्ट रहेगा। अब उसमें जो है उसकी कॉस्ट जो है, हम आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके हम देख सकते हैं। मार्केट में हम शूज़ लेने जाते हैं, वो 150 रुपये के भी आते हैं, वो 5000 के भी आते हैं, वो 10,000 के भी। हम किस लेवल पे जो है वो स्टे कर रहे हैं, हमें किस टाइप का जो चाहिए होती है, जस्ट हम हमारा मोबाइल रखते हैं वैसे ही हमारा हियरिंग एड भी अलग अलग डिफरेंट कॉस्ट के होते हैं। बट बहुत बार क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अच्छा हियरिंग एड लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपका लॉस ईयर में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके लॉस के अकॉर्डिंग आपने हियरिंग एड लिया है जब तो ठीक है, अदरवाइज़ उसका वेस्टेज ऑफ मनी है। बहुत बार क्या है, मैंने देखा है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरा बेटा रहता है या मेरा कज़िन रहता है दुबई से हियरिंग एड ला के मेरे को आपको लगाया, दैट इज़ द वेस्टेज। क्योंकि जब तक आपका ऑडियोलॉजिस्ट आपका मेजरमेंट नहीं करेगा हियरिंग लॉस कितना है और उसके अकॉर्डिंग आपको हियरिंग एड नहीं लगेगा आपको, दैट इज़ नॉट सुटेबल। सो कोशिश करना चाहिए कि अच्छा ऑडियोलॉजिस्ट हो, अच्छा ENT सर्जन हो, जो पहले आपको हियरिंग को असेस करे। अगर सपोज़ करो आपके कान के पर्दे में ही होल है, पर्दा ही ख़राब है और फिर आपने हियरिंग एड लगाना है उसमें, तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। पहले हमारे कान के पर्दे को ठीक करना पड़ेगा, फिर उसमें हियरिंग एड लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें बार बार कान के अंदर मवाद आएगा, इन्फेक्शन आएगा, और जब हम हियरिंग एड लगाते हैं तो उसमें क्या है कि और वो जो है वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या है कि हमें जो है वो
सारा जो है पूरा पता लगा कि वो हमारे को जो है किस कॉस्ट का हियरिंग एड लगाना है, कितने हमारे को लॉस है, वो हमारे को यूज़ में लेना चाहिए। सो दोस्तों रियली दिस इंफॉर्मेशन यूज़फुल फॉर यू, बिकॉज बहुत बार क्या है, हम मार्केट नहीं जाते, हमें लगता है कि हियरिंग एड पता नहीं कितने कॉस्टली होता है या मेरे को कौन सी कॉस्ट का ज़रूरत है, हम इसी उधेड़ बुन में हमारा दिमाग चलता रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, यू कैन शेयर दिस टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कॉस्ट ऑफ द हियरिंग एड। थैंक यू।